नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मैंने कल अपने वीडियो में सनातन हार्ट पर 5100 रुपए में 14 पुस्तकों में संपूर्ण वेद के विषय में बताया था। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सनातन हार्ट पर यह लिंक ढूंढने में समस्या आ रही है। इसकी असल जो कीमत है तकरीबन 6500 रुपए के आसपास है, और इसके ऊपर तकरीबन 1500 रुपए की छूट यानी कि फ्री डिलीवरी भी दी जा रही है। आज का जो हमारा विषय है वो है पश्चिम बंगाल में पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 26 लोगों की राजनीतिक हत्याओं के विषय में। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस विषय पर अभी तक किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है टेप चिपका करके बैठा हुआ है। जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, खास करके जितने भी विपक्षी गैंग हैं, इन्होंने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं बोला है। हालांकि मरने वाले कौन हैं, सारे के सारे मुस्लिम्स हैं, उनमें भी महिलाएं और बच्चे अधिकतर हैं। घरों के अंदर बंद करके बाहर से ताले लगा करके अंदर पेट्रोल बम मार मार के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार जलाया है, अगर यह किसी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में हुआ होता अभी तक यह मामला यूएन में उछल रहा होता। लेकिन हमारे अधिकतर भाइयों बंधुओं को इस विषय में पता भी नहीं होगा। और इसके कारण क्या है कि पूरा का पूरा जो मीडिया गिरोह है, सारे राजनीतिक दल हैं, और ये जितने भी फैक्ट चेकर्स हैं, न्यूज पोर्टल्स हैं, ट्विटर गिरोह है, जो ये जो पूरा का पूरा गैंग है, वामपंथी गिरोह है, इस्लामिक टेररिस्ट गिरोह जो हैं, ये सारे के सारे इन लाशों पर राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि मरने वाले भी मुस्लिम और मारने वाले भी मुस्लिम हैं, और सभी के सभी टीएमसी से ही संबंधित हैं। अब आप जरा सोचिए कि एक भादू शेख नाम के टीएमसी के उप प्रधान की बम मार करके खुद टीएमसी के लोग ही हत्या कर देते हैं, उसका बदला लेने के लिए खुद उसी के लोग तैयार होते हैं और दूसरे यानी कि मारने वालों के खिलाफ खड़े होते हैं, उनको जिंदा जलाते हैं। इतनी विभत्स घटना हुई है दोस्तों, मैं आपको वीडियो यहां पर नहीं दिखा सकता। कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम में मैं डाल दूं, जिनका दिल मजबूत हो केवल वही इन वीडियोस को देखना, वरना मत देखना। ऐसी स्थिति हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इससे भयंकर स्थिति कभी के समय पर गोधरा में जब साबरमती एक्सप्रेस जलाई गई थी, जिसमें 59 राम भक्त कार सेवक लोग मरे थे, जो कि उस समय पर राम भजन गा रहे थे, उनकी स्थिति इससे भी ज्यादा भयानक थी, विभत्स थी, डरावनी थी, दर्दनाक थी। लेकिन उस समय पर क्या कहा गया था, गुजरात फाइल्स में क्या बताया गया था कि ट्रेन के अंदर खुद से आग लगी थी। जो लोग कह रहे हैं कि आज द कश्मीर फाइल्स चल रही है, परजानिया भी चलवाओ, उस परजानिया की शुरुआत क्या साबरमती एक्सप्रेस को जलाए जाने से होती है? क्या उस समय पर जो जिहादी नारे लग रहे थे वहां से होती है? क्या उससे पहले जो गुजरात में दंगे हो रहे थे क्या वहां से होती है? नहीं होती है, नहीं होती है भाई। इस तरीके की जो फिल्में और प्रोपेगेंडा है वो केवल एक पक्ष को दिखाता है। और यहां पर जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हुआ है, ममता बानो इस पर चुप इसलिए है क्योंकि उसके खुद के राज्य में ही हुआ है। उत्तर प्रदेश वालों जरा कान खोलकर सुनो, जो आड़तिया गैंग में शामिल थे, जो अपनी जाति आधारित वोट करके अभी जिहादियों को, गैंगस्टर्स को, और जो जेलों में सड़ रहे हैं गुंडे और बदमाश, जो उनको जिता करके बैठे हैं, वो जरा सोच लें कि बंगाल बनने में मिनट नहीं लगती अगर बाकी के लोग अपनी जातियों को भूल करके और एक हिंदू समाज में संगठित होकर के योगी आदित्यनाथ को वापस ना ला रहे होते। योगी आदित्यनाथ यदि वापस ना आते, इस प्रदेश का 2013 में जो मुजफ्फरनगर में हुआ था ना, हर जिले में होता। और पश्चिम बंगाल बनने से बच गया है उत्तर प्रदेश। शपथ ली के नहीं ली, लेकिन मंदिर में मांस के लोथड़े फेंकने वालों पर तुरंत कार्रवाई हुई। अनुकरणीय इतना है यह कार्य कि यहां बुलडोजर बाबा है और मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक अपराध किए थे, उन लोगों के घरों पर बुलडोजर बज रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, आसाम से लेकर के कर्नाटक तक
पूरी की पूरी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर में आ रही है। जो बहुत उबड़ खाबड़ थी उस पर बुलडोजर चला करके प्लेन किया जा रहा है, मैदान बना देंगे मकान खोद करके। वैसी स्थिति जब तक नहीं आएगी हमारी सरकारों की तरफ से तब तक ठीक नहीं होगा। लेकिन ममता बानो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का भी पश्चिम बंगाल बनाने के लिए सपाइयों से हाथ मिला करके बैठी हुई थी, और यहाँ कुछ जातिवादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ जातिवादी लोग उसको लाना भी चाहते थे, 2013 को दोहराने वाली सरकार को लाना भी चाहते थे, उन लोगों को जरा शर्म करनी चाहिए। पाकिस्तान में पूजा नाम की लड़की जिसको कि अपहरण करके कन्वर्ट करने के लिए एक मुस्लिम कोशिश कर रहा था, लड़की ने विरोध किया, उसको बीच सरे राह गोली मार दी गई, जान से मार दिया। और वही स्थिति राजस्थान में हुई है, लड़की के साथ में जबरदस्ती करने का प्रयास किया, लड़की ने विरोध किया, गला रेत करके हत्या कर दी गई। विचारधारा पाकिस्तान में हो या अफगानिस्तान में, पश्चिम बंगाल में, बंगाल में, या फिर भारत के किसी भी कोने में हो, इन लोगों की जब किताब एक, उनका नबी एक, उनका अल्लाह एक, उनकी मान्यताएं एक हैं पूरे विश्व के मुसलमानों की, तो विचारधारा एक क्यों नहीं होगी? काफिरों के प्रति उनका रवैया एक क्यों नहीं होगा? जहां तादाद कम होगी वहां सॉफ्ट हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी तादाद बढ़ते ही, थोड़ा सा मामला ऊपर आते ही तुरंत वो उसी प्रकार से रिएक्ट करेंगे जिस प्रकार से उनके तानाशाहों ने की है। वो अलग बात है कि उनके तानाशाहों के ऊपर बनी हुई फिल्म में एक सुल्तान का रोल करने वाली महिला जब ब्रा का ऐड करने के लिए आ जाती है तो मुसलमानों का जो इस्लाम है, इस्लामियत है, जो उनकी आस्था है, वो पूरी तरीके से आहत हो जाती है और वो उसको भद्दी और गंदी गालियां देने लग जाते हैं। वो बात अलग है कि यही वो मुसलमान है जो जब आप कंगना रनावत का सपोर्ट करते हैं तो उस समय पर वो उसकी ब्रा में, उसके चड्डी में जो फोटोज हैं, जो वीडियो क्लिप्स हैं या जो मीम्स हैं वो डालते हैं, शुरू कर देते हैं ना, देखा होगा आपने। लेकिन आज जब अपनी दवाई खुद चखनी पड़ रही है तो मुसलमानों की भावनाएं आहत हो रखी हैं, क्योंकि वो जिसको अपना आदर्श मान रहे थे अर्तगुल में, वो महिला आज अंग प्रदर्शन करती घूम रही है। जिस समय पर यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर साधुओं की हत्याएं हो रही थी तब ये लोग मजे ले रहे थे, लेकिन आज भादू शेख की राइवलरी के चक्कर में 26 लोग पहुंच गए तो आज ये लोग जब अपनी दवाई खुद को चखनी पड़ रही है तो मातम मना रहे हैं। जब हिंदुओं को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से यहाँ लाने के लिए CAA कानून बनाया गया था तो ये भारतीय मुसलमान विरोध कर रहे थे, और विरोध जो लोग कर रहे थे उन सब के हाथ आज पूजा के खून से रंगे हुए हैं, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन वहां पर हिंदुओं को रोके रखने की ये जो जुगत भारतीय मुसलमानों की है वो इसीलिए है, अगर वो भारत में आ गए तो अपने धर्म पर अटल रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अधर्म के जो जुल्म व सितम है वो बहुत नज़दीक से देख रखे हैं, और वो यहाँ के लोगों को भी जागरूक करेंगे कि भैया इस्लाम से थोड़ा बच के रहो। वो आने इसलिए नहीं देना चाहते ताकि वो वहाँ पर या तो कन्वर्ट हो और या पूजा की तरह मारे जाएं। और यहाँ पर ये रोहिंग्याओं को ला रहे हैं, बसा रहे हैं, और जरा सोचिए कि हमारी विश्वास जीतने वाली सरकार के नाक के नीचे रोहिंग्या लड़की यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा रही है, और कल ये किसी पद पर भी पहुंचेगी और भारतीय संविधान का, यहाँ की कानून व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए कल ये अपने लोगों को यहाँ बसाने का भी कार्य करेगी। इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे मैटर हैं कि आप लोग यदि सोचने लग जाए तो दिमाग फट जाएगा। लेकिन उपाय केवल और केवल एक है, और वो है कि अपनी धार्मिक एकता को बनाए रखिए, जातियों में बट करके और जातिवादी कीड़ों की संगत में बैठ करके आप न केवल धर्म का बल्कि सबसे पहले आप अपना ही अहित करते हैं। याद दिला दूं, चुनाव जीतते ही मुजफ्फरनगर में सबसे पहले बालियान खाप की जाट लड़की ही उठाई गई है और अभी तक कुछ अता पता नहीं है, और राकेश टिकैत जो खुद बालियान है संज्ञान लेने नहीं गए, जयंत चौधरी या अखिलेश यादव का उस पर कोई बयान नहीं आया है। मैं रोज याद दिलाऊंगा आप लोगों को ये बात, इस वजह से अपने घर, अपने परिवार, अपनी नस्ल और अपनी फसल को यदि सुरक्षित रखना है तो इस कैंसर से, इस वायरस से बच करके रहिए, क्योंकि ये लोग 1400 साल पुरानी लड़ाई
1400 साल पुराने तरीके से ही आज भी लड़ रहे हैं। आप आज के अत्याधुनिक तरीकों से आज की लड़ाई लड़ सकते हैं, भविष्य की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अतीत में 1400 साल पुरानी जहनियत की लड़ाई अब नहीं लड़ सकते। उसके लिए आपको दूसरे तरीके अपनाने होंगे। इस वजह से मैं बार बार आप लोगों को आगाह करता रहता हूँ। आज की इस वीडियो के विषय में आपको क्या कहना है, वीरभूम में हुई इस दुर्घटना के विषय में आपको क्या कहना है, और उन लोगों के विषय में क्या कहना है जो लोग इस पर, यदि यह किसी अन्य राज्य में हुई होती उस पर क्या इनका रंडी रोना चल रहा होता, आज ये क्यों चुप हैं, इसके ऊपर मीडिया चुप क्यों है, और इस चीज को यूएन में मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया है। इन सब बातों पर हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, उसके सबके साथ में शेयर कीजिए। सत्य सनातन आपका अपना चैनल है। अभी भी तकरीबन 70% लोग चैनल तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। प्लीज़ अगर चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।